और यकीन मानिए अभी जब ब्रेक चल रहा था तो यहाँ पर कुछ एक्सपर्ट्स हैं, मैं उनसे बात कर रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि बीजेपी को भी नहीं भरोसा आ रहा, ये 167 जो नंबर नीचे आप देख रहे हैं ना, ये 167 सीट्स बीजेपी ने भी शायद इतनी ही नहीं एक्सपेक्ट करी थी। यहाँ 150 तक का आंकड़ा दिया जा रहा था लेकिन 167, और ये जो तीनों राज्य है ना, चाहे आप छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश, तीनों सिर्फ मोदी के चेहरे पर लड़े गए। छत्तीसगढ़ में बीजेपी का कोई सीएम फेस नहीं था, राजस्थान में बीजेपी का कोई घोषित सीएम फेस नहीं, और मध्य प्रदेश में भी जब यह पूछा जा रहा था कि क्या शिवराज जी सीएम होंगे तो कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं। तो एक तरीके से वहां पर भी तीनों राज्यों में सिर्फ एक चेहरा मोदी। इसलिए आज सोशल मीडिया पर एक चीज सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रही है, एक अकेला सब पर भारी, एक बंदा ही काफी है, ब्रांड मोदी, मोदी की गारंटी, और कुछ लोग मजाक। शहजाद मेरे साथ जुड़ गए हैं, शहजाद है मेरे साथ, शहजाद पूनावाला भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। शहजाद भाई बहुत बहुत स्वागत आपका। शहजाद पूनावाला, शांतनु है मेरे साथ, शांतनु जी बहुत बहुत धन्यवाद आज आपने समय निकाला। कौशिक जी, विजय जी है मेरे साथ, ऋषि मिश्रा है, ऋषि भाई आपका। लेकिन शहजाद, ये मैं नतीजों से ज्यादा, मैं अभी कुछ और भी सोशल मीडिया पर ट्रैक कर रहा था, ये नॉर्थ साउथ डिवाइड का क्या खेल शुरू कर दिया कांग्रेस ने भाई, ये कुछ चल रहा है उनका कि ये नॉर्थ और साउथ का डिवाइड हो गया है, मतलब ये बंटवारा कार्ड क्या, ये क्या निकल गया, ये एक और सेल्फ गोल ना हो जाए सनातन टाइप्स, सनातन वाले सफाई वाले सेल्फ गोल। शहजाद पूनावाला, देखिए अमन जी, जब सारे कार्ड फेल हो गए, जब देश को पहले धर्म के नाम पर बांटा, फिर भाषा के नाम पर बांटा, फिर जाति के नाम पर प्रयास किया कि 5 राज्यों के चुनावों से पहले बांटा जाए, सनातन को समाप्त करने की गाली और अपमानजनक टिप्पणियां की, और ये सारे जब पैंतरे फेल हो गए, तो अब भारत को किस प्रकार से एक और विभाजन की ओर ले जाना है, नॉर्थ साउथ डिवाइड करना है। परंतु ये देखिए ना, राहुल गांधी से यही अपेक्षित है, उनकी पार्टी से यही अपेक्षित है। जब उन्होंने अमेठी में अपना चुनाव हारा था तो उत्तर भारतीयों के लिए उन्होंने क्या बोला था, हमें याद है किस प्रकार से चरणजीत चन्नी ने मजाक उड़ाया था उत्तर भारतीयों का, और खिलखिलाकर प्रियंका वाड्रा जी हंस रही थी, ये भी हमें याद है। तो कहीं ना कहीं अब जब सारे कार्ड फेल हो गए, और जब ओबीसी कार्ड इन्होंने जो खेला उसको तो जनता ने इस प्रकार से नकारा, आप देख लीजिए, जो भी ओबीसी बाहुल इलाके हैं या जो भी एससी एसटी बाहुल इलाके हैं, वहां पर तो मोदी की गारंटी पर बढ़ चढ़कर लोगों ने वोट किया है। मतलब मोदी की गारंटी, संगठन की मजबूती, सुशासन की नीति और भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है, इसको मुहर लगाने का काम किया है। तो ये राहुल गांधी की नई नौटंकी है कि भारत को ही अब विभाजन की ओर ले जाए, नॉर्थ साउथ डिवाइड पैदा करे। मुझे एक बात बोलनी है, ये आपको याद होगा, हिलरी क्लिंटन ने एक बार अपने एक वोटर्स के समूह के लिए कहा था बास्केट ऑफ डिप्लोरेबल्स। अब हूबहू कांग्रेस पार्टी उत्तर भारतीयों का इसी प्रकार से अपमान कर रही है। क्या कहना चाहती है कांग्रेस पार्टी कि जिस उत्तर भारतीयों ने लगातार गांधी परिवार को प्रधानमंत्री बनाया, आज क्योंकि वो अब उनके बेटे को वोट नहीं दे रहे हैं तो उनका अपमान किया जाना चाहिए? अच्छा, नहीं, वही दूसरी तरफ शहजाद को अब पीएम ने तेलंगाना के लोगों के लिए एक मैसेज दिया, प्रधानमंत्री ने, भाई कांग्रेस क्या कर रही है, वो बंटवारा पॉलिटिक्स, बंटवारा कार्ड, लेकिन प्रधानमंत्री ने तेलंगाना के लोगों के लिए एक मैसेज दिया है कि माय डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ तेलंगाना, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट टू द बीजेपी ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स, दिस सपोर्ट हैज ओनली बीन इंक्रीजिंग एंड दिस ट्रेंड विल कंटिन्यू इन द टाइम्स टू कम। ये प्रधानमंत्री ने ट्वीट करा है, ये लगातार अंग्रेजी में, हिंदी में, और तेलंगाना के लोगों के लिए भी जनता जनार्दन को नमन, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के चुनाव परिणाम बता रहे हैं कि भारत की जनता का भरोसा सिर्फ और सिर्फ सुशासन और विकास की राजनीति में है, उनका भरोसा बीजेपी में है। लेकिन शांतनु, कांग्रेस को क्या हो गया, मतलब कांग्रेस का भरोसा, हमें लग रहा था कि सनातन वाले सेल्फ गोल के बाद कांग्रेस शायद थोड़ा समझेगी कि नहीं भाई ये सफाई की बात तोड़ने और ये सारी चीज़ें, लेकिन अब ये डिवाइड, नॉर्थ साउथ डिवाइड,